टीम इंडिया 5 साल बाद जीत सकती है एक मेजर टूर्नामेंट। 2018 में एशिया कप में ही मिली थी पिछली बार कामयाबी। पिछले 10 साल में से 4 फाइनल भारतीय टीम ने हारे हैं। रविवार को इसका इंतजार खत्म हो सकता है। क्रिकेट के किसी मेजर टूर्नामेंट में खिताबी जीत का इंतजार फैंस का इस रविवार को टीम इंडिया दूर कर सकती है। इस दिन 16वें एशिया कप के फाइनल में भारत का सामना कोलंबो में श्रीलंका से होना है। भारतीय टीम आखिरी बार 2018 में किसी मेजर ट्रॉफी को अपने नाम करने में कामयाब हुई थी। तब इंडिया ने यूएई में खेले गए 14वें एशिया कप में खिताब जीता था। इसके बाद से भारत इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 5 और एशियन क्रिकेट काउंसिल के 1 इवेंट में हिस्सा ले चुकी है और इनमें से 1 में भी हमारी टीम चैंपियन नहीं बन सकी है। भारत ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के तौर पर आखिरी बार कोई आईसीसी इवेंट जीता था। वहीं 2018 में एशिया कप के तौर पर आखिरी एसीसी इवेंट को अपने नाम किया था। पिछले 10 साल में भारतीय टीम ने 13 टूर्नामेंट खेले हैं जिसमें 2 बार एशिया कप जीत पाई है। टीम इंडिया ने 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। तब से टीम इंडिया ने आईसीसी और एसीसी के कुल 13 टूर्नामेंट खेल लिए हैं, लेकिन सफलता सिर्फ 2 बार एशिया कप में ही मिल पाई है। भारत ने साल 2016 और 18 में एशिया कप का खिताब जीता था। 2014 में हुए T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी। 2016 में अपनी मेजबानी में हुए इस टूर्नामेंट में भारत का सफर सेमीफाइनल में थम गया था। 2021 में यूएई में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तब इंडियन टीम नॉकआउट में भी नहीं पहुंच पाई थी। 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने इस इवेंट को होस्ट किया था जिसमें भारतीय टीम को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। पिछले 10 साल में 2 वनडे वर्ल्ड कप भी खेले गए, दोनों बार भारतीय टीम को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, इसमें भारत सेमीफाइनल में हार गया था। 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया, इस बार भी भारत को सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2017 में हुई चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने भारत को फाइनल में हराया था। अब भारत की टीम को 2023 के एशिया कप में फाइनल में श्रीलंका को हराकर 10 साल के इंतजार को खत्म करने का मौका है।